discuss this question which has been asked in MP PMT 2004 exam. A car starts from rest and moves with uniform acceleration A on a straight road from time t equal to 0 to t equal to t. After that, मतलब पहले मैं इनिशियल कंडीशन बता देता हूँ. कोई कार है एट वो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है और लेट वो फाइनल पॉइंट उसका बी है, और जब वो ए से बी तक गई तो इनिशियल टाइम इसका जीरो था और फाइनली टी इक्वल टू कैपिटल टी में वो बी पॉइंट पर पहुंच चुकी है. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है? जीरो. और जब ये यहाँ पर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तो उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी वो हम देखेंगे बाद में, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना है? ए. और मैं मान रहा हूँ कि लेट यहाँ से यहाँ तक ए से लेकर के बी तक का जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, लेट ये डिस्टेंस है एस वन. ठीक है, ए से बी तक का डिस्टेंस है एस वन. अब आगे क्या हो रहा है? आफ्टर दैट अ कॉन्स्टेंट डी एक्सेलरेशन ब्रिंग्स इस टू रेस्ट, मतलब इसके बाद वो रेस्ट पे आ रही है. तो बी से लेट सी पॉइंट तक वो गई और सी पॉइंट पर आते आते उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, लेट देखो एक तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होगी, मैंने उसको मान लिया वी वन, हम डिटरमाइन करेंगे कितना आएगा. और जब वो सी पॉइंट पर आ गई, लेट ये है वी टू, लेकिन ये कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि फाइनली वो रेस्ट पर आ रही है. इन दिस प्रोसेस हमें बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी. तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो रहेगा टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. तो लेट मैंने मान लिया कि एस वन तो ए से बी तक का डिस्टेंस है, और लेट जब वो बी से सी जा रहा है तो लेट उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है एस टू. तो हमें निकालना है एस वन प्लस एस टू. डिवाइड करेंगे, देखो जब वो ए से बी पॉइंट तक गया तो उसको टाइम कितना लगा? टी. मैं मान लो जब वो बी से सी तक जा रहा है तो इसमें हमें जो रिटार्डेशन या डी एक्सेलेशन हो रहा है उसकी वैल्यू नहीं दी है. तो लेट मैं मान लेता हूँ जब वो बी से सी तक जा रहा है तो उसमें जो रिटार्डेशन है वो ए वन एज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, तो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना? एस वन. फिर बी से सी तक का डिस्टेंस कितना? एस टू. ए से बी तक टाइम लग रहा है टी, जो क्वेश्चन में गिवन था, और मैंने माना कि बी से सी तक का जो टाइम है वो टी टू है. तो हमें एस वन प्लस एस टू अपॉन टी प्लस टी टू फाइंड करना है. और चीज जब वो बी पॉइंट पर आ गया हो तो ए से बी तक की फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर वी वन है, तो वही जो फाइनल वेलोसिटी है बी पॉइंट पर जब वो ए से बी तक जा रहा है वही बी से सी तक के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो फाइनल वेलोसिटी है वी वन वो इक्वल हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी यू टू के. मतलब जब वो बी से सी जा रहा है मैंने मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू टू है, बट वो यू टू किसके इक्वल होगी? जो ए से बी तक के लिए फाइनल वेलोसिटी होगी वी वन. ठीक है, क्योंकि जब वो जा रहा है यहाँ पर तो उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक वी वन हुई, फिर उसी के बाद वही वेलोसिटी से वो आगे जा रहा है, तो वी वन बराबर यू टू. अब ये तो हो गई बेसिक कंसेप्ट. अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम डिस्टेंस एस टू और एस वन फाइंड करेंगे. एस वन कितना होगा, एस टू कितना होगा? देखो जब भी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है तो हमारे पास ये इक्वेशन होती है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और बी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस. ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं कि वी वन कितना है. तो वी वन निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी का. तो वी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा? यू प्लस ए टी. ये मैं ए से बी तक के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ. तो वी वन यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो. तो ये जीरो प्लस एक्सेलरेशन गिवन है ए, और ए से बी तक इसका मतलब यही इसकी बी से सी के लिए यही इनिशियल वेलोसिटी भी होगी. तो यू टू कितना हो जाएगा? अब अगर मुझे एस वन निकालना है जो ए से बी तक की डिस्टेंस है एस वन, तो मैं इक्वेशन यूज करूंगा सेकेंड वाली, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो एस वन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ए से बी के लिए कितना है? जीरो. तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा खाली, हाफ एक्सेलेशन है ए और टाइम है टी, तो टी का स्क्वायर. तो एस वन हमने डिटरमाइन कर लिया है, एस वन कितना होगा? हाफ ए. अब बी से सी के लिए कैलकुलेशन करते हैं. तो फॉर द सेकेंड पार्ट देखो यहाँ पर मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूँ फिर से वी इक्वल टू यू प्लस ए टी के लिए, ये सेकेंड पार्ट के लिए. तो सेकेंड पार्ट के लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो. इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी ए से बी वाली की, तो वो मैंने आपको बताया था वो कितना था? ए टी. ठीक
है ए इंटू टी। फिर अभी इस सेकेंड पार्ट के लिए मैं वैल्यू पुट करूंगा माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलेशन की जगह पर ए वन और टाइम की जगह पर टी टू। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ क्या हुआ है। देखो सेकेंड पार्ट के लिए हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन सेकेंड पार्ट में फाइनली वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी सेकेंड पार्ट के लिए? वही जो फर्स्ट पार्ट की फाइनल वेलोसिटी थी, यानी कि ए टी। फिर रिटार्डेशन हो रहा है तो इसलिए माइनस साइन, और एक्सेलेरेशन सेकेंड पार्ट के लिए हमने कितना माना? ए वन, और टाइम कितना लिया इसके लिए? टी टू। अब इसको हम लिख सकते हैं ए वन टी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए इंटू में टी, या फिर जो एक्सेलेरेशन है सेकेंड पार्ट का वो इक्वल होगा ए इंटू में टाइम टी अपॉन में टी टू। एस टू निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा सेकेंड पार्ट में, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू इंटू में ए इंटू में एस। देखो फाइनल वेलोसिटी सेकेंड पार्ट के लिए कितनी? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी सेकेंड पार्ट के लिए कितनी? ए टी। तो ये हो जाएगा ए टी का स्क्वायर। फिर माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, टू। सेकेंड पार्ट के लिए एक्सेलेरेशन कितना हम लेंगे? वो है ए वन इंटू डिस्टेंस कितना हमने माना? एस टू, ये सेकेंड पार्ट के लिए। तो यहाँ से एस टू हम निकाल लेंगे, तो टू ए वन एस टू इक्वल टू हो जाएगा ए का स्क्वायर इंटू में टी का स्क्वायर, ठीक है? या फिर एस टू इक्वल टू कितना आएगा? वन अपॉन में टू ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर अपॉन में ए वन। अब हम यहाँ पर ए वन की वैल्यू पुट करेंगे, तो एस टू इक्वल होगा, अब हम एस वन और एस टू हमने दोनों निकाल लिया, एस वन है हाफ ए टी का स्क्वायर और एस टू है हाफ ए टी इंटू टी टू। अब यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। मैंने बताया था एवरेज स्पीड मतलब टी वन एस वन प्लस एस टू अपॉन टी प्लस टी टू, तो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड जो कि एस वन प्लस एस टू, तो एस वन कितना है? वन अपॉन में टू ए टी का स्क्वायर प्लस एस टू हाफ ए टी इंटू में टी टू डिवाइड में टी वन प्लस टी टू, सॉरी टी प्लस टी टू ओनली। अब ऊपर से जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन है? तो वन अपॉन टू ए इंटू में टी, ये तो कॉमन है क्योंकि देखो टी दोनों में आ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब यहाँ से कितना बचेगा? टी प्लस वन अपॉन टू। ये क्वेश्चन हमने दो पार्ट में मिला करके सॉल्व किया है। पहले हमने फॉर्मूला देखा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एस प्लस एस टू अपॉन टी प्लस टी टू। फिर एस वन और एस टू फाइंड किया और वहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी एस वन और एस टू की इन टर्म्स ऑफ ए एंड टी। तो हमें मिलेगा ए टी अपॉन में टू, दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट।